आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम 9 इंच के बजरंगबली का धोती बतला चुके थे। आज हम इस पे पटका जानेंगे, चोली जानेंगे और टोपी जानेंगे। ये बजरंगबली का 9 इंच के विग्रह का ड्रेस है, जिसमें हम पहले धोती बतलाए थे। आज ये तीन चीज़ हम आप लोगों को बतलाएंगे, पटका, चोली और टोपी। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम फिर पटका से शुरू करते हैं। पटका सबसे पहले जानेंगे कैसे बनता है। तो देखिए, पटका बनाने के लिए हम इस तरह का दो पीस में तैयार करेंगे। यहाँ पे हम एक पीस तैयार कर लिए हैं। अब इसी से जोड़ के हमें कैसे तैयार करना है, इतना जितना हम बुने हुए हैं सेम उतना ही कैसे हमें बुनना है। ये हम कितना लाइन में बुने हैं, एक दो, ये दो लाइन बिल्कुल प्लेन है। इसके बाद यहाँ से बढ़ता चला जाएगा आपको डबल क्रोशिया का संख्या। तो ये हो गया दो, हम छोड़ देते हैं यहाँ पर दो लाइन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, 13 लाइन हम बुनकर यहाँ कंप्लीट किए हैं। ये दो लाइन छोड़ने के बाद एक दो, तो दो लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुने हुए हैं। इस तरफ दो लाइन, तो और दो लाइन हम ऊपर इधर बुन लेते हैं। इसके बाद सेम जिस तरीके से बुना हुआ है उसी तरीके से बुनेंगे। चलिए सबसे पहले हम दो लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट करते हैं। ये हमारा डबल क्रोशिया रहेगा आपको, एक दो तीन चार पाँच और छः, तो छः सात और आठ, आठ चेन, नौ चेन लेकर हम यहाँ से शुरू किए, नौ चेन लेकर हम यहाँ से शुरू किए डबल क्रोशिया बनाना, जिसमें हम डबल क्रोशिया छः बनाए, तीन तीन छः, यहाँ भी तीन तीन छः है, देखिए छः डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद आगे हम बुनते चले गए और यहाँ पे ऊन को कट कर लिए। अब हमें उसके बाद हम क्या किए, यहाँ से हम देखिए यहाँ हमारा है तीन तीन छः सात, तो यहाँ से तीन तीन छः यहाँ से हम स्टार्ट किए थे। इसके बाद हम इस तरफ यहाँ पे ऊन को जोड़े और जोड़ने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः, छः करते हुए एक लाइन बुने, ये दूसरा लाइन बुने, एक लाइन और बुनेंगे तो हमारा हो जाता है संख्या चार। तो चलिए एक लाइन और बुन लेते हैं, तो यहाँ पे ये एक लाइन बुनकर हम खत्म किए। अब फिर से तीन चेन ले लेंगे, एक दो तीन पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए, पलटने के बाद हम फिर से यहाँ पे बनाना शुरू करें। तो देखिए, अब हम यहाँ से साइड से यहाँ से हम बढ़ाएंगे चेन की संख्या। ये डबल क्रोशिया की संख्या दो हो गया, एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे देखिए, ये तीन हो गया, तीन, फिर इसके ऊपर एक बनाएंगे चार, इसके ऊपर एक बनाएंगे पाँच, इसके ऊपर एक बनाएंगे छः, और फिर से इसी के ऊपर एक और बना लेंगे सात, और किनारे का एक बनाएंगे आठ। तो देखिए, पहले छः था हमारे पास, डबल क्रोशिया का संख्या छः था, अब हमारे पास हो गया आठ। दो, एक इस तरफ से बढ़ा, एक इस तरफ से बढ़ा, अब उल्टा तरफ से, उल्टा तरफ से जब भी हम बनाएंगे, देखिए हमारा तरीका सेम रहेगा, एक दो तीन, अब यहाँ छोड़कर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाते चले जाएंगे। हमें बढ़ाना सिर्फ सीधा तरफ से है, उल्टा तरफ से पूरा प्लेन बुन लेना है। तो देखिए इस तरह से ये हम बुन लेते हैं, इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब तीन चेन ले लेंगे, पलट लेंगे, पलटने के बाद फिर से हम एक इस साइड से, एक इस साइड से, दोनों तरफ से एक एक डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ाएंगे। ये हो गया एक, यहाँ पे देखिए एक से दो बन गया। अब फिर से डबल क्रोशिया एक पर एक बनाते चले जाएंगे, लास्ट में हमें फिर बढ़ाना है।
तो इस चीज़ को हम सिर्फ ध्यान में रखेंगे कि हमें सीधा तरफ से डबल क्रोशिया का संख्या को बढ़ाना है, उल्टा तरफ से सिर्फ बुन लेना है बिना बढ़ाए हुए। देखिए यहाँ भी एक हम बढ़ाएंगे और ये लास्ट का बुन लेंगे। अब एक दो तीन, फिर उल्टा तरफ से हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट। तो चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें जब भी डबल क्रोशिया का संख्या दोनों किनारे में बढ़ाना है तो सीधा तरफ से बढ़ाना है, उल्टा तरफ से सिर्फ एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनते चले जाना है। इस तरह से देखिए दोनों साइड का बना लिए हम। बना लेने के बाद ये दोनों साइड में इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए अब हमें करना क्या है, वाइट कलर का ऊन ले लेंगे। वाइट कलर का ऊन लेकर के इस पे हम आउटलाइन बनाएंगे। तो आउटलाइन हम देखिए यहाँ पे इस तरह से बनाए, यहाँ से शुरू किए बनाए हैं, बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक आए हैं। अब देखिए आगे हम आउटलाइन किस ढंग से बना रहे हैं। तीन चेन ले लेंगे यहाँ पे, जैसा कि हम तीन चेन ले रखे हैं। अब इसी स्थान से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक दो। अब इसे लाकर यहाँ जोड़ेंगे इस तरह से, फिर से तीन चेन लेंगे, फिर से दो डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे, एक और एक दो। फिर से इसे लाकर जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो बस इसी तरह से हम इसे बनाते हुए आउटलाइन देकर कंप्लीट कर लेंगे सब ओर। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बनाकर पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। देखने में कुछ इस तरह का आपको लगेगा। चलिए इसका लंबाई हम आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए इसका लंबाई है 13.5 इंच, या आप 14 इंच भी मान सकती हैं। जैसे कि अगर हम सीधा में लेके पूरा इसे अच्छी ढंग से नापेंगे, सीधा में लेते हुए देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 14 इंच की है। तो ये इस तरह से उनका बजरंगबली का पटका तैयार होता है। देखने में ये कुछ इस तरह का लगेगा प्यारा सा। अब चलिए अब हम इनका चोली बनाएंगे। तो देखिए चोली बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ चेन बना रखे हैं। चेन की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक 19 ले लेते हैं हम। 19 चेन लेने के बाद तीन चेन छोड़कर चौथा पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ये इस लाइन में हम एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा ये एक लाइन बनकर कंप्लीट होता है। अब हम फिर से एक दो तीन, तीन चेन ले लेंगे और पलट लेंगे। पलटने के बाद अब दोनों किनारे से हमें एक एक चेन
डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है। देखिए इस ढंग से हम एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। इस साइड से एक बढ़ गया, अब एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम दूसरे छोर तक आएंगे और फिर से हम एक डबल क्रोशिया दूसरे छोर पर बढ़ा लेंगे। अब देखिए अब यहाँ लास्ट में हम पहुँचे हैं, तो यहाँ पे एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया, इसके बाद लास्ट का जो है यहाँ पे हमारा इसमें एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ भी एक हमारा बढ़ गया, यहाँ भी एक बढ़ गया, फिर से तीन चेन लेंगे और इसे हम अब हमें बढ़ाना नहीं है, अब हमें बस एक पर एक डबल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ पर हमें कुछ दूर तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए इसमें हम चार लाइन यहाँ पे बुन के कंप्लीट किए, टोटल एक दो तीन चार, चार लाइन बना लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तीन चेन ले लिए हैं, तीन चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो ये तीन चेन और ये एक, दो हो गया, ये हो गया तीन, चार, पाँच और एक ये हो गया छः। तो छः डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए। अब हमें करना क्या है, फिर से एक दो, दो और एक तीन, तीन डबल क्रोशिया हम तीन चेन बनाए, अब एक लाइन और इस पर हम बुन लेंगे, एक दो तीन, तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया और ये छः हो गया। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे छः लाइन डबल क्रोशिया बुनकर कंप्लीट किए यहाँ। अब यहाँ भी हमें इसी तरह करना है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लाइन बुन लेना है और ये बीच में गले के लिए यहाँ पे छूट जाएगा। तो चलिए इस तरफ का भी हम बुन लेते हैं, इसके बाद इसमें हम आउटलाइन देंगे। इस तरह से देखिए इसे कंप्लीट कर लेने के बाद में हम यहाँ पे एक तरफ से ये आउटलाइन देते चले गए हैं, जैसा कि हम पटका में आउटलाइन दिए इस पर इसी चीज़ को यहाँ भी हम डाले हुए हैं। देखिए यहाँ से शुरू किए, यहाँ आए, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लिए, डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पे आए तो हम तीन का एक, तीन का एक करते हुए दो दो बार, एक जगह से दो बार लिए, फिर तीन का एक करते हुए दो बार यहाँ से लिए, फिर यहाँ से इस तरह से हम गले में भी बना लिए, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे बनाकर अंत कर दिए। लास्ट में एक हम डोरी इस तरह से डाल दिए यहाँ पे। तो डोरी डाल लेने के बाद में अब देखिए इस तरफ भी हम डोरी बनाकर डाल दिए और इस तरफ भी डाल दिए। अब एक हम डोरी यहाँ पे बना लिए, यहाँ से हम शुरू किए, शुरू करने के बाद 20 या 25 चेन यहाँ पे ले लें और देखिए यहाँ दो का एक करते हुए, दो का भी एक नहीं किए हम, एक पर एक, वो हम आपको अभी इस पे बतला देंगे, करते हुए यहाँ तक हम आए, यहाँ से यहाँ तक आए। अब हम यहाँ पे चेन ले लेंगे, चेन का संख्या हमारा रहेगा, देखिए हम चेन का संख्या आप लोगों को नहीं बतला रहे हैं, एक अंदाज से हम ले रहे हैं चेन। देखिए गले पे यहाँ पे आ जाएगा, ये इस तरह से पीछे की ओर चला जाएगा। तो इसे हम इतना दूर तक लेते हैं या थोड़ा सा और हम ले लेते हैं, देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखिए दो का एक इस तरह से करेंगे, दो का एक, फिर से जैसा कि हम देखिए यहाँ पे किए हुए हैं उसी तरह कर रहे हैं,
यहाँ पे अगली चेन पे ले जाकर फिर से इस चेन पे ले जाकर इस पे ले जाएंगे और ये हो गया। एक और यहाँ पे कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ हमें फिर से 25 चेन लेना है। देखिए 25 चेन ले लिए। अब बल लेंगे ये 1 2 3, तीसरा चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और देखिए ये चीज़ 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार बना लेने के बाद सबको एक साथ गिरा लेंगे एक चेन। अब एक और टाइट यहाँ कर लेंगे, दूसरा में भी टाइट कर लेंगे ताकि ये खुले ना, उनको यहाँ हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से आपका यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये पीछे की ओर चला जाएगा डोरी और ये बांधने का ये हो गया और ये हो गया और साथ में यहाँ पे बांधने का। तो इस तरह से ये आपका बनकर बजरंगबली का चोली बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम इस पे टोपी बनाते हैं, उनका बजरंगबली का टोपी बनाएंगे। ये हम सर्किल यहाँ पे लेंगे और इस पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब डबल क्रोशिया बुनेंगे, टोटल डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे 20 होना चाहिए। ये 3 हो गया, 4, ये हो गया 13 14 15 16 17 19 और एक ये रहा 20। 20 लेने के बाद इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट कर लिए, अब यहाँ लाकर जोड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ लास्ट में एक नोट लगा लेंगे। अब 1 2 2 चेन लेंगे और प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए प्रत्येक एक चेन से नहीं करेंगे, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ एक किए, इसी से फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम यहाँ पे एक चेन से 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से दूसरी चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1 2 हो गया। फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1। अब अगला चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 अलग अलग चेन से 2 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 1 2 हो गया। फिर इस चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हम बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर आगे बुनेंगे एक चेन से 2, एक चेन से 2, फिर एक चेन से 1, गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसे यहाँ लाकर जोड़ लिए। अब एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसमें हम 4 लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
अब हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, बस एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। इस तरीके से, इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसमें लाइनिंग बना चुके हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लाइन बना लेने के बाद में अब हम इस पे ये डिजाइन डाले हुए हैं, ये दोनों कलर से मिक्स करते हुए। तो देखिए ये हम किस तरह से डालेंगे, जैसे यहाँ पे हम एक चेन से तीन डबल क्रोशिया बनाए, देखिए एक चेन से तीन डबल क्रोशिया। अब हमें कलर चेंज करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये दो अभी हमारे पास है, ये दो हमारे पास अभी है चेन, तो इन दोनों को इस तरह से निकालेंगे और इसे हल्का सा टाइट करेंगे और अगली चेन से हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक दो और फिर से ये हो गया तीन, तो तीसरा में देखिए हमें कलर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर इस तरह से ऊपर की ओर लेंगे और व्हाइट कलर से ये दो फंदों को गिरा लेंगे। फिर से अगला चेन से हम अब व्हाइट कलर से बुनेंगे यहाँ पे, तो बस इसी तरह से इसे पूरी गोलाई में बुनकर हमें कंप्लीट कर लेना है, ये आपका टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए तो हो गया, फिर से तीसरा यहाँ पे बुनेंगे और तीसरा जो बुनेंगे कलर्स को चेंज करेंगे, कलर चेंज करने के वक्त में हम ये दो भी हमारे पास है यहाँ पे साथ में इसे इस तरह से बंद करेंगे, फिर अगला तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम इसे इस टोपी को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये आपका इस तरह से टोपी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।